वीएलई की जिंदगी की बागडोर बहुत हद तक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथों में होती है। बहुत सारे काम ऐसे मिलते हैं हर क्षेत्र में जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से रिकमेंडेशन लिया जाता है कि किसी भी क्षेत्र, पंचायत, ब्लॉक या गांव में कौन सा वीएलई सबसे अच्छा काम कर रहा है, और उसे ही कुछ अन्य कार्य भी दिए जाते हैं करने के लिए। तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, या फिर आपको पसंद नहीं करता है, या फिर आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी हो पैसे कमाने की, अर्निंग करने की, वो कम हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये फेस किया होगा, क्योंकि अक्सर काफ़ी सारे वीएलई भाई ऐसे मुझे मिलते हैं जिन्होंने ये सब कुछ फेस किया है, जिनके साथ ऐसा घटित हुआ है, और वो ये बताते हैं कि अक्सर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनसे कुछ ना कुछ उल जुलूल डिमांड करते हैं। कभी ये डिमांड होती है पैसों की, कभी ये डिमांड होती है कुछ गिफ्ट की, कभी वो कहते हैं कि हमको फलानी चीज़ मुफ्त में दे दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आते रहती हैं मेरी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है। अगर वो आपको सहायता नहीं दे रहे हैं, वो अगर आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उनके खिलाफ कहीं कार्रवाई कर सकते हैं? क्या आप उनके खिलाफ कहीं कंप्लेन कर सकते हैं? क्या आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं? ये सब कुछ मैं बताऊंगी इस वीडियो में। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स का जो लेटेस्ट फ़ोन नंबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके ज़िले में जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, आप चाहें तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके, और जो भी आपको उनकी मदद चाहिए होगी वो आप ले सकें। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं बता देती हूँ कि सीएससी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का क्या क्या रोल होता है। तो ये जो पेज आपके सामने है, इस पे हर चीज़ मेंशन है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का क्या क्या रोल होता है। अब वीएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 6 जो कहता है कि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे। यानी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको कोई भी दुविधा होती है, या फिर आपको कोई भी मुश्किल हो रही है, तो आप सबसे पहले जा करके बात कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। और दूसरा है पॉइंट 9 जो ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होते हैं उनको रेगुलरली आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके क्षेत्र में जाना होता है, और वहाँ पे देखना होता है कि वीएलईज किस तरह का काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उनको सामने रिकमेंडेशन देनी होती है, और अगर कोई सुझाव देना है हमको तो वो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स दे सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है। तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं वो वीएलईज को हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हैं। अब वो कितना हेल्प और कितना सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये तो हम सबको पता है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा डिमांड करते हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, या फिर जिसकी वजह से हमारे काम को फर्क पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए मैं आपको अब दिखा देती हूँ। वो तो यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ आपको सीएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन वीएलई और वीएलई दोनों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी मुश्किलें हैं आप ये बता सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनली खुद ही बहुत बारी ट्राई किया इन नंबर्स पे बात करने का, लेकिन कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अगर आप भी कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि वीएलई की वेबसाइट पे ही जैसे आप जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीएलई कैन रजिस्टर कंप्लेन थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ पे वीएलईज जो हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिजिटल सेवा पोर्टल की माध्यम से भी, ये है डिजिटल सेवा पोर्टल, इसके माध्यम से आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर यहाँ से भी बात नहीं बनी तो आपको क्या करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं सीएससी को। जी हाँ, मेल करने का भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन भी इसी वेबसाइट पे ही दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि helpdesk@csc.gov.in पे आप मेल कर सकते हैं कि फलाने अधिकारी ने आपके साथ क्या किया है, या फिर अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो जो भी है आप यहाँ पे मेल करके उनको बता सकते हैं।
अब मैं दिखा देती हूँ आपको फोन नंबर की लिस्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फोन नंबर की लिस्ट है, और यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के, हर जो भी जिले हैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका फ़ोन नंबर दिया गया है। तो मैं इस तरह से पब्लिक तो नहीं कर सकती हूँ फ़ोन नंबर, जो भी लोग VLEs हैं और काम कर रहे हैं उनके पास तो फ़ोन नंबर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को फ़ोन नंबर चाहिए मेरी ओर से तो आप जो है अपनी ईमेल आईडी नीचे कमेंट कर दें मुझे कमेंट बॉक्स में, और अपना जिला भी मुझे बता दें ताकि वहाँ की जो भी फ़ोन नंबर की डिटेल हो मेरे पास और वहाँ पे कौन है अभी अधिकारी उसका उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दे दूँ। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि इतना सब करने के बाद भी अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप क्या करें। तो हम सब VLEO को एक होना पड़ेगा, हमको मिलकर के इनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं कितनी भी कंप्लेन कर लें, अगर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो एक ही उम्मीद बचती है कि हम एकजुट हो करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और त्यागी सर हों या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हों उनको बता दें कि वो लोग हमारी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। अगर CSC के पास कोई प्रोजेक्ट है, अगर वो काम कराना चाहता है, और अगर VLE काम ही नहीं करेंगे तो फिर वो प्रोसेस होगा कैसे, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो VLE का रोल जो है CSC में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हमको ये बात सामने बतानी होगी। तो यही इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती थी कि हम VLEO को अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं सीनियर्स को, उनसे हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, और फिर भी बात नहीं बनती है तो हम एकजुट होकर के अपनी आवाज़ डायरेक्टली त्यागी सर तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।